कैंपेनिंग में जो है बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स एनहेंस होते हैं और उनको अच्छे से इंकरेज करिए कि वो अच्छे से प्रेजेंट करें अपनी टीम को और वो क्या करेंगे व्हेन दे बी द कैप्टन्स ऑफ अ पर्टिकुलर यू नो लाइक इफ दे आर हेड बॉय हेड गर्ल या स्पोर्ट्स के इंचार्ज है तो वो कैसे व्हाट दे विल डू फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्कूल क्या करेंगे वो लोग लेट देम इंक्लूड दैट इन देयर स्पीच. अब रही बात आप लोगों को तैयारी क्या करना है, यू शुड बी रेडी विद द बैजेस, डिफरेंट कलर बैजेस ऑल्सो. हर टीम का जो है हर ग्रुप के कलर के बैजेस होना है रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए भी, मतलब आम जनता के लिए बोले जैसा एवरी स्टूडेंट शुड हैव दैट कलर बैज टू विच हाउस ही बिलोंग्स टू. एट द सेम टाइम यू शुड हैव इफ पॉसिबल क्लास प्रीफेक्ट्स के बैजेस हो, क्लास लीडर के बैजेस हो, ठीक है. और देखिए अब हर ग्रुप में आपको जैसे आपके चार ग्रुप्स है हर ग्रुप का कैप्टन वाइस कैप्टन रहता तो उसी तरीके से कैप्टन वाइस कैप्टन का बैज और वही कलर के बैजेस एक ग्रुप के लिए. सिमिलरली सेकेंड ग्रुप ऑल्सो कैप्टन वाइस कैप्टन और दूसरे बैजेस, कैप्टन वाइस कैप्टन दूसरे बैजेस एंड स्कूल हेड बॉय का बैज, हेड गर्ल का बैज, स्पोर्ट्स कैप्टन लिटरल, ये सारे चीज़ों के बैजेस की तैयारी. तो प्रॉपर नंबर आप डिस्कशन में बैठ के नंबर को लिख के ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है. सिमिलरली विद द सैशेस, सैशेस के लिए भी आपको करना है, सैशेस के लिए कि आपको कलर कितने, मतलब ये टीम में ये कितने मेंबर्स हैं, ठीक है. अब सैशेस तो हर स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं है लेकिन एवरी कैप्टन वाइस कैप्टन ऑफ एवरी हाउस शुड गेट, ओके, राइट फ्रॉम यू नो आप जैसे 9th और 10th के बच्चे हैं और इन लोगों को जरूरी है कि कैप्टन वाइस कैप्टन और अभी जो 24 कंटेस्टेंट्स हैं उनको ग्रुप वाइज सैशेस रहना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ उनके क्लास के अंदर के जो है वो, ओके. सो ये चीजों को क्या है आपके मार्च पास्ट में भी बहुत काम आएंगे. मार्च पास्ट में भी यू विल लाइक यू नो इफ ऑल दैट कलर कलरफुल दे गो विथ कलरफुल सैशेज एंड द बैजेस इट लुक्स सो नाइस. जैसे तमाम बच्चे ग्रीन हाउस के ग्रीन के साथ है, ग्रीन के झंडे के साथ है एंड आगे बढ़ रहे, ठीक है. तो इस किस्म से आपने बैजेस की तैयारी करनी है, सैशेस की तैयारी करनी है एज पर द कलर्स एंड डेसिग्नेशंस एज वेल. और अभी आपका पोस्ट ये है कि आप जब ये सारी चीजें होंगे, बच्चों ने कैंपेनिंग किया और आपने एक डेट फिक्स किया और आपने पोलिंग बूथ बनाई, पोलिंग बूथ बनवाया और बैलेट बॉक्सेस रेडी रखे और उसको अच्छे खासे स्क्रीनिंग के साथ सेफ्टी के साथ आपने रखे और इंचार्जेस को बिठा दिया, बैलेट पेपर्स बैलेट फॉर्म्स भी बना दिए जहां पे नाम के साथ सिंबल होगा पार्टिसिपेंट्स का और बच्चों को किस ऑर्डर में आना है, एक एक तरफ से एंटर होना है, फिर उनका जो है आपने बैलेट बॉक्स के बाद फॉर्म के पास एक जो पेन रखेंगे उसको भी स्ट्रिंग लगा कर रखोगे तो उनका जो वोट होगा जो भी इम्प्रेशन वो देकर वो लोग वहां से जाएंगे. तो ये सारी तैयारी में तमाम टीम को जो है बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल हायर लेवल इलेक्शंस की तरह वो प्लान करना है और गर्ल्स एंड बॉयज अलग है तो उसी तरीके से वो प्लान करना है. मैंने PDF अटैच किया है कि उसके डिटेलिंग के साथ साथ I have attached a PDF in the description. Please go through, revise it. उसको अच्छे से गो थ्रू होने के बाद आप जो है इसको वो सेट करिए. जब हो जाएगा इवेंट, जब आपके बच्चों ने वोट दे दिया, क्लोज इट एंड देन यू कैन यूज अ सेपरेट विथ ओनली स्पेसिफिक पीपल कैन बी यूज फॉर काउंटिंग, ओके. एंड देन काउंटिंग के बाद आप जो है स्कोर्स को आप अपने पेपर पे अपने फॉर्म पे एंटर कर लीजिए. कहीं पे टाई अप के सिचुएशंस होते हैं देन यू कैन टेक द ओपिनियन ऑफ द टीचर्स वेर इन जैसे लाइक किसमें कौन सी स्किल ज्यादा है और कौन सा डेसिग्नेशन दे सकते हैं. तो इन अ स्कूल आप लोग एडिंग टू द कैप स्कूल हेड बॉय स्कूल हेड गर्ल वाइस कैप्टन्स को जो है जो रहनी चाहिए कैफियत जो स्किल सेट होना है यू नो वेरी वेल लीडरशिप कम्युनिकेशन एंड ओवरऑल टीम लीडर बनने का जो है क्षमता उन लोगों में रहनी चाहिए. वैसे बच्चों को वो डेजिग्नेशन है फिर एनीवेज वोटिंग तो है ही उसके हिसाब से ही बनेंगे. स्पोर्ट्स का रखिए आप एक स्पोर्ट्स कैप्टन वाइस कैप्टन, फिर साथ ही साथ आप लिटररी क्लब बोल के रख सकते हैं लिटररी क्लब जिसमें अगेन वेरियस एक्टिविटीज रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन ऑफ लिटररी क्लब. सिमिलरली यू कैन हैव इवेंट्स क्लब, इवेंट्स के कैप्टन वाइस कैप्टन, यू कैन हैव इनोवेटर्स क्लब, इनोवेटर्स क्लब कैप्टन वाइस कैप्टन और जो है हेल्पिंग हैंड सर्विस ओरिएंटेड काम है कम्युनिटी सर्विस है वहां पे वो एक क्लब रख सकते हैं, ओके, जिसके भी कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे. इससे हटके भी आपको लगता है कि और कोई रहना है जैसे कि एनी वैल्यू रिलेटेड
जैसे कि मेरे स्कूल में आई हैव इंट्रोड्यूस दीनियत, ओके, जैसे वैल्यूज, दीनियत स्टाफ को भी लीडर्स हमने बनाया है अच्छे अखलाक के लिए, जो है वो भी कैप्टन वाइस कैप्टन वो भी स्कूल में पूरों के अखलाक के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये आपके स्टूडेंट काउंसिल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। आपने डेलीगेट कर दिया है, आपने नाम नोट कर दिए बेस्ड ऑन रिजल्ट्स। अब ये अनाउंसमेंट की बात, इन्वेस्टिचर की बात ही ये है कि दैट इज फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ द डेसिग्नेशंस टू मेक द चिल्ड्रन मोर रेस्पॉन्सिबल एंड एनहेंस लीडरशिप क्वालिटीज इन देम। तो इसके वजह से आपने एक इवेंट, एक डे रखा है, आप चीफ गेस्ट को बुला सकते। कई स्कूल्स में एक स्पेशल आप बोल सकते ऑडिटोरियम लेकर, फंक्शन हॉल लेकर ये सेरेमनी किया जाता है, तो आप वो भी करवा सकते। एंड चीफ गेस्ट और अच्छे से मॉडरेटर स्टेज पे जो अनाउंस करेंगे, एंड प्रिंसिपल मैम जो है एड्रेस करेंगे। और अगर आप चाहे तो दूसरे बच्चों को भी बैजेस पिनाना, मतलब हर क्लास के कैप्टन वाइस कैप्टन सिक्स क्लास से लेकर आप वो बच्चों को बैज पिना सकते ऑन स्टेज, कलरफुल बैजेस, क्लास सिक्स कैप्टन वाइस कैप्टन, क्लास सेवन कैप्टन वाइस कैप्टन, ऐसा पिना के फिर उसके बाद से आप फाइनली जो है स्कूल वाइस कैप्टन एंड स्कूल कैप्टन को अनाउंस कर सकते, ठीक है। ये करने के बाद आप एक मार्च पास्ट करवा सकते, मार्च पास्ट करवा के, या फिर आप पहले मार्च पास करवा के उन लोगों को रोक के फिर एक एक बच्चे को बुला के उनको जो है ये बैजेस दे सकते। देन द फाइनल अनाउंसमेंट ऑफ द स्कूल लीडर्स, जैसे लिटरेरी वाइस कैप्टन कैप्टन, देन स्पोर्ट्स कैप्टन वाइस कैप्टन, देन कमिंग अप टू द हेड बॉय एंड हेड गर्ल, ये तमाम लोगों को फिर आप बुला के, सिर्फ ये हेड्स जो है उनको बुला के आप जो है उनके फ्लैग्स के साथ एक ओथ लेना पड़ता है, ओके। ओथ ऑफ इन्वेस्टिचर सेरेमनी बोल के रहता, वो ओथ जो है टीचर रिपीट कराते, एंड देन फ्रॉम देयर ऑन दे टेक अप देयर ड्यूटीज, एंड यू कैन वाइंड अप द सेरेमनी विद द रेसिटेशन ऑफ नेशनल एंथम। तो अगर आपको एंकरिंग स्क्रिप्ट होना है, या फिर ये एंकरिंग स्क्रिप्ट है, प्रिंसिपल्स एड्रेस है ये ओकेशन के लिए, या फिर इन्वेस्टिचर सेरेमनी का ओथ है, यू कैन डेफिनेटली यू कैन मेल योर रिक्वायरमेंट ऑन फिरदौस आयशा 751, ठीक है, और टेक्स्ट मी सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट इंशाल्लाह। सो दैट्स हाउ यू कैन प्लान योर इन्वेस्टिचर सेरेमनी। फॉर एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड सी दैट ये 15 अगस्त से पहले ही आपके पास हो जाए, ताकि आपका 15 अगस्त का सेलिब्रेशन में आप लोग सारे कमिटी स्टूडेंट काउंसिल को अच्छे से इन्वॉल्व कर सकते। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट सेरेमनी, आगे चलकर यू शुड हैव स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग ऑल्सो एवरी वीक देन मंथली, ओके। तो इससे क्या है, स्कूल के कई चीजें एकेडमिक से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक कई चीजों में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, एंड दे देमसेल्व्स बिकम रिस्पॉन्सिबल, एंड योर फोकस कैन शिफ्ट फ्रॉम टू एनहेंस द स्टैंडर्ड ऑफ योर टीचिंग, ओके। सो जजाक अल्लाह खैर, देर आर मेनी थिंग्स टू शेयर, बट राइट नाउ इफ यू कैन डू दिस इन योर कैंपस दैट्स वेरी गुड। जजाक अल्लाह खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।